Yes, today we start very very important topic. This is environment pollution, and it's not for NTA UGC. It's of a human life is very very important, because जैसे जैसे environment polluted हो रहा है तो आने वाले time में ना ही हमें अच्छे से यहाँ पे plants मिलेंगे, और most important जो हमारा एक ecological system है वो जैसे run करता है, मतलब आपको पता है कि एक cyclical चल रहा है, कि first आपको भी पता है कि जो हमारे biological एक तरह से components हैं, जैसे कि first is primary consumers होते हैं, then secondary and then tertiary, तो this is very very important कि कैसे वो harm हो रहे हैं, ठीक है, तो हमें ये जानना just only UGC के लिए नहीं, बट हमारा जो अपना एक ह्यूमन लाइफ है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो प्लीज आप इसको ध्यान से देखना, और इसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी. तो फर्स्ट पॉइंट इज यस प्लैनेट. प्लैनेट अर्थ इज द ओनली प्लैनेट वेयर द लाइफ एग्जिस्ट, ठीक है, मतलब जहां पे लाइफ एक्चुअल में है. एंड प्लैनेट अर्थ वी वेयर वी लाइफ एंड एवरी थिंग दैट सराउंडिंग अस दैट इज इन अवर इन्वायरमेंट. अब आप बोलते हो कि वट डू यू मीन बाई इन्वायरमेंट. सो इन्वायरमेंट इज लाइक जो भी हमारे आस पास जितना भी इन्वायरमेंट इज लाइक अ सम ऑफ वाटर एयर लैंड एंड द इंटर रिलेशनशिप्स एंड दैट एग्जिस्ट अमंग दैम एंड विद द ह्यूमन बींग्स लाइक ऑर्गेनिज्म. जैसे आपको पता है कि जो एक ह्यूमन है वो एक लाइव कॉम्पोनेंट है, एंड अदर्स लाइक लैंड हो गए, एनिमल्स हो गए, और जो हमारे प्लांट्स हो गए वो अबायोटिक कॉम्पोनेंट्स हैं. तो वो पॉइंट्स यहाँ पे भी आ जाते हैं कि कौन से बायोटिक है और कौन से अबायोटिक कॉम्पोनेंट्स हैं. तो यहाँ पे अगला जो मैं आपको पॉइंट बता दूँ, जैसे इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट में हमारा आ जाता है ह्यूमन लाइफ आ जाती है, ठीक है, हमारे यहाँ पे ह्यूमंस हैं, देन बिल्डिंग्स हैं, देन माउंटेन्स, देन ट्रीज, देन वाटर्स, देन एयर, देन प्लांट एंड देन एनिमल. सो दिस इज ऑल जो सराउंडिंग है हमारे, दिस इज कॉल्ड अ इन्वायरमेंट, ठीक है. नेक्स्ट इज, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अर्थ इज सिक. यस, बिकॉज व्हाट्स हैपनिंग टू प्लैनेट अर्थ, लाइक इट्स हीटिंग अप. हीटिंग अप इज लाइक अ ग्लोबल वार्मिंग. देन इट्स स्कफलिंग, इट्स मेल्टिंग. मेल्टिंग इज लाइक ओजोन डिप्लीशन हो रहा है, ठीक है, एंड इट्स वाउंडेड. तो मदर अर्थ इज डाइंग, अगर आप इन शॉर्ट में बोलो. एंड अर्थ इज नॉट डाइंग, अर्थ इज बींग किल्ड. कौन मार रहा है? अब आप देखो, डाइंग होता है खुद से मरना, और किल्ड होता है मारना. तो यस, देन हु इज किलिंग अर्थ एंड हाउ? सो मैन. कैसे? मैन इज किलिंग अर्थ बाय कॉजिंग पॉल्यूशन, ठीक है. अब आपको ये पता है कि पॉल्यूशन एक बहुत ही ज़्यादा बिग पॉइंट बन गया है, क्योंकि आप जब इन्वायरमेंट को देखते हो ना, साथ में आपको पॉल्यूशन लगाना ही पड़ता है. पॉल्यूशन के बिना आजकल जो इन्वायरमेंट ही बहुत ही ज़्यादा अधूरा है. सो पॉल्यूशन इज लाइक अ नेगेटिव या चेंज इन द इन्वायरमेंट, ठीक है, एंड यूजिंग द एडिशन ऑफ समथिंग हैजर्ड्स और डिट्रीमेंटल. सो बेसिकली जो डिग्रेडेबल है, जो नॉन परसिस्टेंट पॉल्यूशन है, जैसे कि डोमेस्टिक सीवेज अगर आप देखोगे, ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड pollution. So what is pollution? Pollution happen when the environment is contaminated or diluted by waste, chemicals, gases and other harmful substances. So अब आप देखोगे कि land runoff, discharge हो रहा है, ठीक है, bacterias, ठीक है, शिपिंग आप देख लो, जो ओशन डंपिंग्स है, जैसे सीवेज वाटर है, ठीक है, माइनिंग ऑयल जो बर्न हो रहा है, मैंने आपको कल भी बताए थे 40 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उसमें मैंने आपको बताया था बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ ऑयल, तो उससे भी जो हमारा क्या क्रिएट हो रहा है, वहाँ से वहाँ आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्रिएट हो रहा है, और आपका जो फोटोकेमिकल स्मोक स्टार्ट हो रहा है. देन उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड है, जो कि आपके ट्रांसपोर्ट सेक्टर से मिल रहा है. देन देर आर फोर मेन फॉर्म ऑफ पॉल्यूशन है. फर्स्ट आपका है एयर पॉल्यूशन, जो कि बहुत ही ज़्यादा आता है यूजीसी में. लैंड पॉल्यूशन इतना मैटर नहीं करता, नॉइस पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन इतना नहीं आता जितना आपका एयर पोल्यूशन आता है, ठीक है, क्योंकि यहीं से आपका एयर पोल्यूशन से ही ओजोन डिप्लीशन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है, एंड एसिड रेन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो ये सारा किस वजह से हो रहा है? आपका एयर पोल्यूशन की वजह से. सो फोर टाइप्स ऑफ पोल्यूशन. फर्स्ट इज एयर पोल्यूशन. यस, वी स्टार्ट विद एयर पोल्यूशन. सो एयर पोल्यूशन इज लाइक अ एक्चुअली हार्मफुल सब्सटेंसेस इन द एटमोसफियर विच डैमेज द इन्वायरमेंट विद द डेप्लॉयमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज कम अलॉन्ग द इंक्रीज इन एयर पोल्यूशन. सी, मैंने आपको कल भी बताया था, मैं आपको प्लीज अब यहाँ पे ध्यान से समझना, कि जो एयर पोल्यूशन है उसमें आपके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो प्राइमरी कंपोनेंट्स है और एक आपके सेकेंडरी कंपोनेंट्स है. इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है एयर पोल्यूशन. अब ध्यान से देखना प्राइमरी कंपोनेंट्स कौन से होते हैं. मैंने आपको कल भी अपने नोट्स में ऑलरेडी दे चुकी हूँ, बट मैं आपको यहाँ पे जस्ट आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि प्राइमरी पॉल्यूटेंट कौन से होते
होते हैं जो एंटर करते हैं एटमोसफेयर में डायरेक्टली विदाउट एनी हेल्प. मतलब कि जैसे फॉर एग्जाम्पल सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, ठीक है, ओजोन हो गया एंड लीड हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, हाइड्रोकार्बन्स हो गया, ऑक्साइड हो गया. तो ये सारा क्या है, ये हमारा प्राइमरी पॉल्यूटेंट है. मतलब कि ये डायरेक्टली आते हैं विदाउट किसी हेल्प के, और ये अकेले ही काफ़ी हैं एक चीज़ को हार्म करने के. उसके बाद है आपका सेकेंडरी पॉल्यूटेंट. सेकेंडरी पॉल्यूटेंट क्या होता है, कॉम्बिनेशन किसका, बहुत सारी गैसों का, जैसे SO2 प्लस NO2 हो गया, ठीक है, प्लस सनलाइट हो गई, देन उसके बाद क्रिएट हो गया ग्लोबल वार्मिंग. तो वो पॉइंट आ जाएगा हमारा सेकेंडरी कॉम्पोनेंट्स में. तो अब इसके इफेक्ट्स क्या है मैं आपको वो बता देती हूँ. जो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, प्लीज़ ध्यान से समझना, जो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है आपका वो तीन टाइप का होता है, ठीक है. फर्स्ट है आपका सल्फर ट्राईऑक्साइड, ये मैंने आपको कल ऑलरेडी दे चुकी हूँ, इसका मैंने आपको सारे नोट्स अच्छे से दे दिए हैं. सल्फर ट्राईऑक्साइड क्या होता है, इज अ कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड. अब आप देखना, जो सल्फर डाइऑक्साइड है अगर वो ऐड हो जाए उसके साथ ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन ऐड हो जाए तो क्या बनेगा, फिर वो सल्फर ट्राईऑक्साइड, सल्फर ट्राई ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है. तो देखो सल्फर डाइऑक्साइड से ट्राई ऑक्साइड कैसे बना, जब उसके साथ ऑक्सीजन मैच हो गई. और सेकंड इज स्मोक फॉर्मेशन, इज इट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपको पता है कि प्रीवियस ईयर में जो आपका दिल्ली में क्या इफेक्ट, आपको भी पता है कि लास्टली जो दिल्ली में सबसे ज़्यादा जो एक तरह से डेंजर था वो स्मोक ही था, और वो भी विंटर के टाइम पे था. तो एक होता है स्मोक और एक होता है फोग, ठीक है, बट इन दोनों में बहुत डिफरेंस है. स्मोक तो बेसिकली देर आर टू टाइप ऑफ स्मोक होता है. फर्स्ट इज आपका है सल्फरस और लंडन स्मोक. लंडन स्मोक आप इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि लंडन में ज़्यादा होता है, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, एक तो केमिकल जैसे रिड्यूस हो रहा है, मतलब केमिकल जो क्रिएट हो रहा है, मिक्सचर हो रहा है हमारे इन्वायरमेंट में, और प्लस जो इसे सल्फर डाइऑक्साइड हो गया एयर में, ठीक है, और वो विंटर सीजन में मॉर्निंग, मतलब ड्यूरिंग द मॉर्निंग आवर्स ऑफ विंटर सीजन, जब एक तरह से ह्यूमिडिटी भी हाई होती है और एयर नियर द ग्राउंड इज ऑल्सो कूलर, सो लंडन स्मोक कॉज थ्रू इरिटेशन एंड डिफिकल्ट इन ब्रीदिंग, ठीक है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वहां पे आप सांस भी नहीं ले सकते. और सेकंड टाइप का स्मोक है फोटोकेमिकल स्मोक. फोटोकेमिकल स्मोक ये हर यहाँ पे हुआ था दिल्ली में. यहाँ पे एक तरह से आपको पता है कि पैन क्या होता है, इरिटेशन होती है आई से, तो वो एक तरह से इसमें है पैन, ठीक है. तो यहाँ पे ये किसका मिक्सचर है, ये किसका मिक्सचर है आपको याद होगा, अभी मैंने आपको कल बताया था, हाइड्रोकार्बन एक्सेप्ट CH4. एंड जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो आपका एक तरह से जो एयर है, ठीक है, जैसे कि इरिटेट हो जाते हैं आईज एंड लंग्स में, जो ये इफेक्ट करता है क्रैकिंग ऑफ रबर, एक्सटेंसिव डैमेज टू प्लांट लाइफ. सो बेसिकली जो हमारा ये स्मोग है, दो टाइप के स्मोग है, एक तो आपका जो लंडन वाला स्मोग है उसमें जस्ट आपका सल्फर डाइऑक्साइड प्लस जो हमारा एक विंटर सीजन ऐड होके वो हमारा स्मोग बना, तो उसे जस्ट एक ब्रीदिंग लेने में प्रॉब्लम होती है ओनली मॉर्निंग टाइम में. बट जो सेकेंड टाइप का स्मोग है इससे ये बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्टिव है, बिकॉज केमिकल रिएक्शन होता है. क्यों? क्योंकि इसमें इंक्लूड क्या क्या होता है, एक तो होता है आपका ओजोन, एक होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है हाइड्रोकार्बन एंड यहाँ पे पैन. जो पैन है वो इरिटेशन ऑफ आईज के लिए होता है, आपको पता होगा. हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड ओजोन जो है वो हमारा ट्रांसपोर्ट सेक्टर से क्रिएट हुआ, तो वो जब आप विंटर सीजन में देखते हो वहाँ पे आपका स्मोक क्रिएट होता है. देन थर्ड टाइप का है एसिड रेन. एसिड रेन क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जो होते हैं वो जब एयर में रिलीज होते हैं तो उससे क्या होता है, जो एटमोसफेयर है उसका जो टेम्परेचर वेरी हाई हो जाता है, और उस वजह से अगर उसमें वाटर, ऑक्सीजन एंड अदर केमिकल्स भी मिक्स हो जाए तो उससे क्या होता है, एसिड रेन होती है. ये मैं आपको आगे भी एक्सप्लेन करूँगी अच्छे से, अभी आप जस्ट देख लो जो आपका एयर इफेक्ट है. सो इसके क्या क्या रीज़न है. फर्स्ट है अ क्लाउड ऑफ स्मोक फ्रॉम द एग्जॉस्ट ऑफ अ व्हीकल. तो इंक्रीज ट्रैफिक हो रहा है उस वजह से क्या हो रहा है, स्मोकिंग इंक्रीज हो रही है. सेकंड, ग्रोइंग सिटी. अब आपको पता है कि जैसे जैसे आपकी सिटीज ग्रो हो रही है उस अकॉर्डिंग जो है चिमनीज जो फैक्ट्रीज में है वहां से ज्यादा स्मोकिंग क्रिएट हो रही है. थर्ड इज रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. वहां से क्या हो रहा है, इरप्शंस ऑफ अ वेलकनो एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है. सिगरेट स्मोकिंग हो रही है क्योंकि आपको पता है जो एम्प्लॉयज है वहां पे वर्कर है उस वजह से भी, और बर्न होता है जैसे कॉल एंड ऑयल तो उस वजह से भी. देन उसके बाद है इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन. येस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ इसको ध्यान से समझना कि जो एयर पोल्यूशन है उसका इफेक्ट कहाँ कहाँ हो रहा है. फर्स्ट, हेल्थ प्रॉब्लम कैसे हो रही है, डैमेज हो रहा है जैसे इन्वायरमेंट, डैमेज हो रहा है प्रॉपर्टी, थिनिंग ऑफ द प्रोटेक्टिव ओजोन लेयर क्रिएट हो रही है एटमोसफेयर में विच इज लीडिंग टू क्लाइमेट चेंज. एंड फर्स्ट इज अस्थमा. येस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप प्लीज़ इसको ध्यान से देख लो कि एयर पोल्यूशन की वजह से क्या क्या हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है.
फर्स्ट है अस्थमा प्रॉब्लम हो रही है, कैंसर, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, ठीक है, मतलब कि जो कोल्ड है, ठीक है, देन हार्ट डिसीज़, देन बर्थ डिफेक्ट, ठीक है, ये आपको भी पता है कि जो गैस का हुआ था वहाँ पे अभी तक उनके जो चिल्ड्रंस हैं उसमें अभी भी इफेक्ट होता है, देन इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर, टर्बिकुलसिस, इम्यून सिस्टम डैमेज, ठीक है, वो ये क्या हुआ, हेल्थ प्रॉब्लम हुई, और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको पता है जो पैन है उसे इरिटेशन ऑफ आईज हो गया, ब्रीदिंग लेने में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, तो वो चीज़ हो गया हमारा, जस्ट एयर पोल्यूशन के इफेक्ट्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद सम सोल्यूशंस क्या है, अब येस अब हम कुछ सोल्यूशंस की बात कर लेते हैं। फर्स्ट इज हमें शेयर करने चाहिए व्हीकल्स को, येस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमें शेयर करना चाहिए व्हीकल्स को ऑन यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट टू गो टू वर्क एंड शुड गेट अ रेगुलर पॉल्यूशन चेक फॉर अवर व्हीकल्स, जैसे आपको पता है पॉल्यूशन का एक बनती है स्लिप बनती है ना व्हीकल्स की, वो बनवानी चाहिए। शुड वॉक और यूज बाइसिकल्स टू गो और टू नियर प्लेसेस, चिमनीज फैक्ट्रीज में वो होनी चाहिए प्रॉपर फिल्टर के लिए, ठीक है, एंड एक तरह से स्विच ऑफ फैंस एंड लाइट व्हेन यू आर गोइंग आउट, तो एक तरह से एनर्जी को भी आपको सेव करना चाहिए। देन उसके बाद है हम बात करते हैं वाटर पोल्यूशन की, इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाटर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन इट मींस आपको पता है कि वाटर पोल्यूशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ जैसे जैसे पोल्यूशन इंक्रीज जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है हमारे वाटर की नीड भी बढ़ रही है। और वाटर जस्ट आपको बता दूँ, सीरियसली बता देती हूँ, ये एक डाटा है कि ओनली 70% अर्थ पे हमारे वाटर है, जिसमें से 60% जो है, ठीक है, 60% जो है वो हमारा बेसिक ऑफ लाइफ में हो रहा है। बट आपको मैं एक बात बता दूं, इसमें से भी ओनली 0.001% वाटर है, ओनली कितना 0.00012 वाटर है जो हमारा जस्ट एक तरह से पीने के लिए सेफ है। जो अगर आप इसको भी नहीं बचाओगे तो आप सोच लो कि क्या कितना बच गया। देन उसके बाद वाटर पोल्यूशन इज द कॉन्टामिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज लाइक लेक्स, रिवर्स, ओशियंस, ग्राउंड वाटर, एंड वाटर पोल्यूशन अकर व्हेन पोल्यूटेंट्स आर डिस्चार्ज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इनटू वाटर बॉडीज विदाउट एडिक्वेट ट्रीटमेंट टू रिमूव हार्मफुल कंपाउंड्स। एंड आपको पता है कि जो वाटर पोल्यूशन है इट्स लाइक डिस्चार्ज अगर हम करते हैं, ठीक है, जैसे कि कुछ भी हार्मफुल सब्सटेंसेज है अगर हम वो डिस्चार्ज कर जाते हैं, ठीक है, वाटर में, ठीक है, तो उससे क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गया हमारा, वेस्ट वाटर हो गया एंड हॉट वाटर हो गया, ठीक है, जो कि थर्मल पावर प्लांट से निकलता है, तो उससे क्या होता है पॉल्यूशन क्रिएट होता है, ठीक है। देन उसके बाद इसके कॉजेज देख लो, जैसे सिटी का सीवेज है, मतलब आपको पता है जो सिटी के मतलब एक तरह से जो कूड़ा होता है अगर वो आप मतलब कि डिस्चार्ज कर देते हो तो उससे क्या होगा, टॉक्सिक सब्सटेंसेस डिजॉल्व इन वाटर और गेट डिस्पोजिट इन द बेड। एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट्स हैं जैसे कि, ठीक है, वो आप कहाँ पर डालते हो, टॉक्सिक लेक्स हो गया, रिवर्स हो गया, स्ट्रीम्स हो गया, एग्रीकल्चर रन ऑफ ऑटोमेटिकली जा रहा है, ठीक है, तो वो पॉइंट है। इफेक्ट क्या होगा, येस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सी जो हमारे पीपल हैं, एनिमल्स हैं, फिश है, बर्ड्स है, उनके लिए हार्मफुल है क्योंकि पानी ही तो बेसिक है, और अनसुटेबल फॉर ड्रिंकिंग, रिक्रिएशन, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, डिस्ट्रॉय वाटर लाइफ। अब वाटर के बिना तो भाई कुछ भी नहीं है अर्थ पे, ठीक है, तो वो प्लीज़ आप इसको याद रखना, ये वाला पॉइंट। अब इससे हेल्थ प्रॉब्लम क्या होगी मैं आपको बता देती हूँ, जो वाटर के साथ, अब ये क्वेश्चन आया हुआ है कि वाटर जो वाटर पॉल्यूशन है उससे क्या क्या जो है हेल्थ प्रॉब्लम होती है, तो प्लीज़ ये याद रखना, डायरिया, वॉमिटिंग, टाइफॉइड, डिप्थेरिया, हेपेटाइटिस, किडनी डैमेज, नर्व डिसऑर्डर्स एंड स्किन लेसन्स, इट्स वेरी वेरी हार्मफुल डैमेजेस हैं ये। और मोस्ट इंपॉर्टेंट डेंगू, डेंगू नहीं होता है वाटर पॉल्यूशन से, ठीक है। देन उसके बाद है कुछ सोल्यूशंस हैं वाटर पॉल्यूशन के, जैसे कि फैक्ट्री शुड नॉट थ्रो देयर वेस्ट इन वाटर बॉडीज डायरेक्टली, पीपल शुड नॉट बाथ और वॉश क्लॉथ इन रिवर्स और लेक्स, पीपल शुड नॉट टेक देयर एनिमल्स टू बाथ इन रिवर्स लेक्स। अब आपको मैं बता देती हूँ कि जो हमारे पॉइंट्स, जैसे अगर आपको पता है कि डायरेक्टली कौन से हैं, डायरेक्टली वाटर पॉल्यूशन कौन से, एक तो इंडस्ट्रियल के डिसऑर्डर्स हैं जो इंडस्ट्रियल सीवेज है जो वो हो गया, देन हॉट वाटर जो हमारा थर्मल पावर प्लांट से निकलता है, जब वो आप जब लेक में डालते हो तो उससे एक तरह से पॉल्यूशन क्रिएट होता है। एंड थर्ड जो है हमारा म्यूनिसिपल वॉस्ट वाटर, जो कि एक तरह से डोमेस्टिक यूज, जैसे किचन हो गया, ठीक है, किचन में जो वेस्ट हो गया वो हम कर देते हैं एंड उसके बाद डिस्चार्ज कर देते हैं रिवर्स में या लार्ज वाटर बॉडी जैसे कि ओशंस हो गए। देन उसके बाद सरफेस रन ऑफ, जैसे कि एग्रीकल्चर का जो हमारा पेस्टिसाइड एंटीसाइड्स मिलिएट होके इरीगेशन होता है हमारे एग्रीकल्चर में, तो वो पॉइंट हो गया। एंड जो ऑयल है, जो आपको पता है जो पेट्रोलियम ऑयल है अगर वो मिक्स हो जाता है वाटर के साथ तो दिस इज़ वेरी डेंजरस। सो ये जो है इम्पैक्ट जो है हमारे पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन पे है। अब इससे क्या हो रहा है, वाटर पोल्यूशन अफेक्ट करता है ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, जैसे कि आपको पता है जो एनिमल्स हैं, ठीक है, और जो एनिमल्स हो गए,
मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. देन उसके बाद जो हमारे पीपल हैं, मतलब कि जो एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ये एक बात बता दो, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है प्लस जो आपके अनबायोटिक है, मतलब कि एक तरह से एनिमल्स हो गए या फिर प्लांट्स हो गए, इनके लिए भी पानी वैसे इंपॉर्टेंट है जैसे आपके लिए है. देन उसके बाद थर्ड इज लैंड पोल्यूशन, इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लैंड पोल्यूशन इज़ लाइक अ लैंड डिग्रेडेशन. और जो आपको पता है कि जो एक फर्टाइल सॉइल है अगर आप उसको मतलब कि इनफर्टाइल हो रही है वो टाइम टू टाइम, जैसे कि वेस्ट लेयर बहुत ज़्यादा है, इंटेंसिव बहुत नीचे है, ठीक है, वो पॉइंट आ गया. देन उसके बाद इट इज़ अ डिग्रेडेशन ऑफ अर्थ लैंड सर्फेस ऑफन कॉज्ड बाई ह्यूमन एक्टिविटीज़ एंड देयर मिस यूज ऑफ लैंड रिसोर्सेज. इट अकर्स वैन वेस्ट इज नॉट डिपोज प्रॉपरली, हेल्थ हैज़र्ड डिपोजल ऑफ अर्बन एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट. सो ये पॉइंट है कि इम्प्रॉपर यूज़ हो रहा है सॉइल का, नेचुरल रिसोर्सेज हमारे हार्मफुल हो रहे हैं, वेस्ट हो रहे हैं, और उस वजह से आने वाले टाइम पे आपको नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ही कम रह जाएंगे, तब क्या करोगे, वो प्रॉब्लम है यहाँ पे. एंड टाइप ऑफ वेस्ट, जैसे कि कौन कौन से हाउस होल्ड वेस्ट हो गया, इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गया, बायोमेडिकल और हॉस्पिटल वेस्ट हो गया. रीजन क्या है इसका, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, उस वजह से लैंड की फर्टाइल जो है वो बहुत ही इनफर्टाइल हो गई है. इंक्रीज प्लास्टिक प्रोडक्ट्स हो गए, चेंजेस इन लाइफ स्टाइल, लैंड फील्स नॉट वेल इक्विप्ड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट कंटामिनेशंस. एंड इफेक्ट ऑफ लैंड पोल्यूशन क्या क्या हो रहा है, जैसे जैसे टाइम चल रहा है वैसे वैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, और वहां से आपके जो लैंड की जो नीड है वो इंक्रीज हो रही है, और जिससे आपके जो ऑर्गेनिक वेस्ट है वो डीकम्पोज अगर आप वो है. एंड मोस्ट वेस्ट जो है वो हम क्या कर रहे हैं, वो हम लैंड में इनकर्ड कर रहे हैं, मतलब कि वहाँ पे ऐड कर रहे हैं, और उस वजह से जैसे कि ग्राउंड वाटर है नीचे वाला वो पोल्यूटेड हो रहा है. अब आप सोचो कि जो ऊपर है वो तो हो ही रहा है, और जो नीचे वाटर ग्राउंड में है ना वो भी हो रहा है उस वजह से, बिकॉज ऑफ लैंड पोल्यूशन. देन डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ लैंड पोल्यूशंस आर एयर पोल्यूशंस एंड वाटर पोल्यूशंस, बिकॉज द हेल्थ प्रॉब्लम कॉज बाय लैंड पोल्यूशंस आर सेम एज दोज ऑफ एयर पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन. देन उसके बाद है सम सोल्यूशंस क्या है, जैसे पीपल शुड प्लांट मोर ट्रीज, पीपल शुड नॉट थ्रो रबिश इन द स्ट्रीट्स, इंस्टेड दे शुड लिटर बिन्स. ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि जो हमारा एक तरह से बहुत ही दो टाइप का डस्टबिन है यूज़ करते हैं, एक तो ड्राई एंड एक थोड़ा सा जो हम यूज़ करते हैं, तो वो अलग अलग होना चाहिए. इंडस्ट्री शुड नॉट थ्रो देयर वेस्ट ऑन लैंड डायरेक्टली. देन नेक्स्ट वी स्टार्ट नॉइस पोल्यूशन. मैं आपको फिर से याद दिला दूँ, नॉइस पोल्यूशन को मेजर करने के लिए डेसिबल यूनिट का यूज़ किया जाता है. एंड नॉइस पोल्यूशन इज लाइक अ साउंड, इज एसेंशियल टू अवर डेली लाइफ्स, लाइक बट नॉइस इज नॉट, नॉइस इज जनरली यूज इन अनवांटेड साउंड. मैंने आपको कल भी बताया था कि जो आप हेयरिंग करते हो उसमें कितनी नॉइस पोल्यूशन होती है, जब आप टॉकिंग करते हो तब कितनी होती है, जब आप चुप हो मतलब विस्परिंग हो रही है तब कितनी है, और जब आप जस्ट स्लीपिंग कर रहे हो ना तब भी जो एक तरह से नॉइस होता है, तो एक तरह से अनवांटेड साउंड है, और साउंड विच प्रोड्यूस अनप्लीजेंट इफेक्ट्स एंड डिसकम्फर्ट ऑन द ईयर्स. एंड द कॉजेज क्या है, रोड ट्रैफिक है, फैक्ट्रीज है, लाउड स्पीकर्स हो गए, ठीक है, और सिनेमा हॉल्स हैं, हाउस होल्ड इक्विपमेंट्स हैं, प्लम्बिंग, बॉयलर्स एंड जनरेटर. उससे इफेक्ट क्या पड़ रहा है, टेम्पररी और परमानेंट डीफनेस हो रही है, हेडेक है, देन ईयरएक्स हो रहा है, देन साइकोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन स्ट्रेस हो रहा है, ठीक है, इरिटेबिलिटी एंड नर्वसनेस, फीलिंग ऑफ फैटिक एंड डिक्रीज वर्क एफिशिएंसी. देन सम सॉल्यूशंस क्या है, पीपल शुड नॉट यूज लाउड स्पीकर्स, फैक्ट्री शुड बी मेड आउट ऑफ द सिटीज, बिकॉज वहाँ पे जो आपको पता है वहाँ से जो पोल्यूशन निकलता है, पहले बात तो वहाँ से तीन टाइप के पोल्यूशन निकलता है, एक तो हमारा है वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन एंड देन नॉइस पोल्यूशन. तो देर शुड नॉट बी मोर नॉइस मेकिंग व्हीकल्स ऑन द रोड. एंड वी डिड नॉट इनहेरिट द अर्थ फ्रॉम अवर पेरेंट्स. एक तो आपको पता होगा जो एक व्हीकल्स, बहुत व्हीकल्स है जिसमें नॉइज ज़्यादा होता है, तो वो यूज़ नहीं करने चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है. देन उसके बाद वी डिड नॉट इनहेरिट द अर्थ फ्रॉम अवर पेरेंट्स टू प्लंडर टू फॉर अवर सेल्फिश डिजायर्स, ठीक है. देन कंटेंट, येस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बिकॉज हम यहाँ पे यूज़ एक्सप्लेन करेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड हमारा जो एसिड रेन है वो वाली. तो फर्स्ट इज वट इज़ एयर पोल्यूशन, इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जो आपका UGC नेट एग्जाम है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एयर पोल्यूशन ही आता है इंस्टेड ऑफ लैंड वाटर एंड नॉइज पोल्यूशन. सो फर्स्ट इज वट डू यू मीन बाय एयर पोल्यूशन. सो एयर पोल्यूशन इज द इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल्स, पर्टिकुलर मैटर और बायोलॉजिकल मटीरियल्स दैट कोज हार्म और डिसकम्फर्ट टू ह्यूमंस और अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स और कोज डैमेज टू द नेचुरल इन्वायरमेंट और बिल्ट इन्वायरमेंट इन टू द एटमोसफियर. सेकेंड इज टाइप्स ऑफ एयर पोल्यूशन, येस वन टाइप ऑफ एयर पोल्यूशन इज द रिलीज ऑफ पार्टिकल्स इन टू देयर एंड सेकेंड इज रिलीज ऑफ पॉइजन्स गैसेज, ठीक है. देन फर्स्ट इज आउटडोर एयर पोल्यूशन, फर्स्ट इज स्मोक. अब ध्यान से समझना स्मोक क्या होता है. स्मोक इज अ टाइप ऑफ लार्ज स्केल आउटडोर पोल्यूशन. सबसे पहले तो फर्स्ट ये एक तरह से आउटडोर ही होता है और इट इज कॉज बाय केमिकल रिएक्शंस. वट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस, फर्स्ट इज सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड,
पैन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑक्सीजन, ठीक है, उसे क्रिएट होके ऐड होके यहाँ पे स्मोक, और स्मोक बेसिकली देयर आर टू टाइप ऑफ स्मोक, फर्स्ट इज लंडन स्मोक, सल्फर स्मोक एंड सेकेंड इज फोटोकेमिकल स्मोक. सो फर्स्ट इज सल्फर स्मोक इज बेसिकली इफेक्टेड वेरी लार्ज इन लंडन एंड यहाँ पे रिड्यूस स्मोक एज अ मिक्सचर ऑफ कॉम्पोनेंट्स जो होता है वो यूज़ करते हैं और यहाँ पे बहुत कम हो गया है अकॉर्डिंग बिकॉज जो विंटर सीजन होता है वहाँ पे मॉर्निंग आवर्स में ज़्यादा से ज़्यादा स्मोक होता है. सो स्मोक इज लाइक कॉम्बिनेशन ऑफ मोस्ट ऑफ द एयर पॉल्यूटेड लाइक फर्स्ट इज सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, पैन, लीड एंड ऑक्साइड्स. देन उसके बाद है एसिड रेन, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एसिड रेन इज कॉज्ड बाय अ केमिकल रिएक्शन दैट बिगिन व्हेन कंपाउंड्स लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, जो आपका सल्फर डाइऑक्साइड है, प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड, प्लस जो हमारा वाटर है, ए ऑक्सीजन है, अनदर केमिकल्स जो वो ऐड हो जाते हैं, तो वो एक तरह से एसिडिक पोल्यूटेंट्स होते हैं, नॉन एज एसिड ड्रेन. सो इट इज़ कॉज्ड व्हेन अ पोल्यूटेंट, अब आपको भी दिख रहा है एसिड ड्रेन एक तरह से साइक्लिकल वर्क करती है. सो इट इज़ कॉज्ड व्हेन अ पोल्यूटेंट कंबाइंड विद ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर इन द एयर एंड द इफेक्ट ऑफ एसिड ड्रेन ऑन द एनवायरमेंट कैन बी सीरियस बिकॉज एसिड ड्रेन की वजह से ही जो हमारा मोस्ट सेवन वंडर्स जो हमारा है, फर्स्ट इज आई थिंक ताजमहल, सो वो हमारा सेवन वंडर्स प्लेसेस में आता है इन इंडिया में, तो उसका जो आपको पता है जो कलर है वो येलो हो रहा है बिकॉज ऑफ एसिड रेन, ठीक है. तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इफेक्ट क्या हो रहा है, सबसे पहले तो एसिडिफिकेशन ऑफ एसिड लेक्स एंड स्ट्रीम्स एंड ट्रीज डैमेजेस हो रहे हैं और मोस्ट ऑफ द सेंसिटिव फॉरेस्ट ऑयल्स हो रहे हैं. देन उसके बाद जो हमारा बिल्डिंग का मटेरियल है, पेंट्स हैं और बिल्डिंग जैसे कि इरिपैकेबल स्टेटस एंड स्कल्पचर्स दैट आर पार्ट ऑफ अवर नेशंस कल्चर, इस मीन्स में आपका इंक्लूड हो गया ताजमहल, ठीक है, और दिल्ली में जो है अब वो हमारा जो गेट ऑफ इंडिया है उसमें भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पर जो एसिड रेन है वो इफेक्ट करता है स्कल्पचर्स पे, जो मूर्तियाँ होती हैं ना जो बहुत पुराने टाइम की बनी हुई हैं उस वजह से. अब बिकॉज ऑफ मतलब जो सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स है एयर्स में, ठीक है, तो यहाँ पे जो डस्ट है, सबसे पहले तो डस्ट हो गया, देन स्मोक हो गया, प्लम हो गया, तो उस वजह से एसिड रेन क्रिएट होता है. देन उसके बाद है ग्रीन हाउस इफेक्ट. यस, ग्रीन हाउस इफेक्ट, इट्स लाइक अ बिल्ड अप कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन द एटमोसफियर. सो कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस व्हेन फ्यूल आर बर्न, ठीक है. अब फ्यूल कौन सा, जब आप बर्न करते हो कॉयल को, ठीक है, तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हील होता है और उस वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट पे पड़ता है. फॉर इन दिस टाइप ऑफ पोल्यूशन सन रेज गो टू द एटमोसफियर एंड दे आर ट्रैप्ड बाई ग्रीन हाउसेज गैसेज, सो द टेम्परेचर ऑन द अर्थ रेसेस. देन होल इन द ओजोन लेयर, यस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जो होल हो रहा है, ठीक है, मतलब कि जो एक तरह से होल है ओजोन लेयर में, वो क्या है, इट इज़ अनदर रिजल्ट ऑफ एयर पोल्यूशन बिकॉज केमिकल रिलीज बाय अवर एक्टिविटीज अफेक्ट द स्ट्रेटोस्फीयर एंड रिलीज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन फ्रॉम हीटिंग एरोजल कॉइंस एंड रेफ्रिजरेटर इक्विपमेंट्स रिमूव सम ऑफ द ओजोन कॉजिंग हेल्स. तो आप ये याद रखना, जो कि हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा जो टेक्नोलॉजी है वहीं से क्रिएट होता है. देन उसके बाद है इंडोर एयर पोल्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार भी आपका इंडोर एयर पोल्यूशन में से क्वेश्चन आया था, जैसे कि तंबाकू स्मोक हो गया, कुकिंग एंड हीटिंग इन वुड स्टोव, जो वुड के लकड़ी के स्टोव्स होते हैं वहाँ से, देन अप्लायंसेज जो टेक्नोलॉजी है वहाँ से हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्रिएट हो रहा है, देन वेपोरस फ्रॉम बिल्डिंग मटेरियल्स. सो इट इज़ मोर डेंजरस देन द आउटडोर पोल्यूशन बिकॉज या आउटडोर में तो एटलीस्ट आप थोड़ा ब्रीथ को कर सकते हो, बट इंडोर में ना सच बोलूँ तो वहाँ पे प्रैक्टिकली हुआ है ऐसा मेरे साथ, तो वहाँ पे क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होती है और अस्थमा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है बिकॉज ऑफ इंडोर एयर पोल्यूशन, बिकॉज वहाँ पे सर्कुलेशन नहीं होता है हवा का. देन उसके बाद कॉजेज क्या है, डस्ट रेज्ड ऑन द ग्राउंड ड्यूरिंग डस्ट स्टॉर्म, स्टोन डस्ट रेज्ड बाय क्रशिंग ऑफ स्टोन्स इन क्वारीज एंड स्मोक इमिटेड बाय व्हीकल्स, स्मोक फ्रॉम फॉरेस्ट फायर्स. जैसे कि हमारा आपको पता है कि प्लांट्स जो हैं ट्रीज जैसे जैसे कम हो रहे हैं वैसे वैसे हमारा स्मोक भी इंक्रीज हो रहा है. सो स्मोक रेज बाय बर्निंग ऑफ कोल इन पावर हाउसेज, बर्निंग ऑफ वुड को काउ डंक केक्स एंड गार्बेज एक्स्ट्रा, जर्म्स फ्रॉम कफिंग एंड स्नीजिंग, तो वो पॉइंट है. देन हेल्थ इफेक्ट, आपको पता है इससे क्या हो रहा है, एयर पोल्यूशन से शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इफेक्ट पड़ते हैं. शॉर्ट टर्म तो आप बोल लो जैसे थोड़ा बहुत कोल्ड हो गया, बट लॉन्ग टर्म जैसे कैंसर हो गया, ठीक है, तो वो पॉइंट है. सो एयर पोल्यूशन सच एज ओजोन, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड ऑल्सो हैव हार्मफुल इफेक्ट ऑन नेचुरल इकोसिस्टम. दे कैन किल प्लांट्स एंड ट्रीज बाय डिस्ट्रॉइंग द लीव्स एंड कैन किल एनिमल्स स्पेशली फिश इन हाईली पॉल्यूटेड रिवर्स, ठीक है, एंड चिल्ड्रन एंड इन्फेंट्स आर ऑल्सो एट अ सीरियस रिस्क.
देन उसके बाद है प्रिवेंशंस, कैसे बचना चाहिए, कार पूल करके, ठीक है, नंबर ऑफ़ कार्स कम कर दो, जैसे कि एक ग्रुप बना लो, जैसे कि एक एम्प्लॉय के पास अगर एक कार है दूसरे के पास भी तो वो एक साथ में आ जाएंगे, ठीक है. देन व्हीकल केयर करनी है, देन पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो, एनर्जी सोर्सेज करो, जैसे सोलर टेक्नोलॉजी यूज़ करो, सेविंग एनर्जी, जब आपको यूज़ नहीं है तो एटलीस्ट बंद कर दो, और मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी कम करो, मोबाइल फ़ोन्स हो गए, रेडिएशंस पावर इंक्रीज़ होते तो वो भी एक तरह से बहुत ज़्यादा एक तरह से रीज़न है इंक्रीज़ होने का. मिनिमाइज़ एयर पोल्यूशन करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाओ, रिसाइकलेबल यूज़ करो, प्लास्टिक मत यूज़ करो, स्मार्ट परचेजिंग यूज़ करो, ठीक है, वो पॉइंट हो गया. बिकॉज अब आपको पता है कि अभी जो है हमारा फेस्टिवल का टाइम है तो अब यहाँ पे क्रैकर्स यूज़ करेंगे, तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो है वो क्रैकर्स यूज़ करो. अब आपको पता है, आप देखना एक बार ज़रा दीपावली के टाइम पे, मतलब जो दिवाली का फेस्टिवल होगा उसी दिन जो रात को कितना स्मोक हो जाता है, आप सांस नहीं ले पाते हो स्मोक में, तो वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है उस टाइम पे भी. और आपको पता होगा नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट डे न्यूज़ भी आ जाती है कि कितने लोगों को मतलब ये हो गया वो हो गया, तो वो भी एक तरह से रीज़न है. ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ऑब्वियसली दिवाली का टाइम आने वाला है, तो एटलीस्ट हमें थोड़ा यूज़ और अवेयर होना चाहिए, और प्लीज़ इसको शेयर करना जितना ज़्यादा हो सके, क्योंकि इसके बाद हम यूज़ करेंगे जो हमारे जो नेचुरल हज़र्ड्स हैं, जैसे कि अर्थक्वेक है, लैंड फ्लड, वो क्यों हुआ और उसकी वजह से क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. और उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में मैं लाऊंगी जो सिर्फ इन्वायरमेंट के होंगे, जो हमारे नेचुरल हज़र्ड्स के होंगे, ठीक है. तो वो प्लीज़ आप इसको शेयर करना, और उस वो वाली वीडियो मैं आपको आज या कल में दे दूंगी. अभी तक हमारा पॉल्यूशन वाला टॉपिक हो गया है. अगर आपने इससे पहले वाला जो मैंने पॉल्यूशन के 40 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए थे, अगर आप वो भी कर लो तो आपको पता लग जाएगा कि सल्फर डाइऑक्साइड कहाँ से क्रिएट हुआ, नाइट्रोजन ऑक्साइड कहाँ से क्रिएट हुआ. मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, और इसकी PDF आपको टेलीग्राम से मिल जाएगी. तो प्लीज़ आप दोनों चीज़ें प्लीज़ देखना, आज में आप पॉल्यूशन कंप्लीट कर लो, ताकि हम कल अपना जो नेचुरल हैजर्ड्स वाला टॉपिक करेंगे, और उसके बाद जो है हमारा रिन्यूएबल एनर्जी, जो नॉन रिन्यूएबल है और जो रिन्यूएबल है वो वाला पॉइंट करेंगे. तो 3 दिन में हमारा पूरा पेपर एनवायरनमेंट टॉपिक हो जाएगा. उसके बाद जो हमारे जो जनरल अवेयरनेस है, जो अभी जो स्कीम्स आई हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, तो वो भी हम डिस्कस कर लेंगे. तो मैक्सिमम 4 डेज लगेंगे, मतलब इस वीक हमारा पूरा पेपर एनवायरनमेंट हो जाएगा. देन उसके बाद हम ICT पार्ट करेंगे, क्योंकि हायर एजुकेशन हमारा हो चुका है, तो फर्स्ट पेपर का हमारा ऑलमोस्ट कवर हो गया है.